है कि यहाँ का खा के देखते हैं कि इतना जो इतना इसकी हाइप मची हुई है उतना वर्थ इट है कि नहीं है। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज यहाँ दिन शुरू हुआ है, ये बात करनी ज्यादा जरूरी है तो कर रही हूँ। आज दिन शुरू हुआ है निहारिका के वॉइस नोट से। यार आप लोगों ने इतना फील किया, इतने सारे मैसेजेस आए, डीएम्स आए, सब इमोशनल हो गए उसको देख के। सच्ची कह रही हूँ, दिल से नहीं था, आप लोगों ने जो बोला वो कर दिया और मुझे ये नहीं पता था इस तरह से जाएगा, इतना इमोशनल हो जाएगा। तो सॉरी अगर किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, यार हमने भी बहुत दिल पे पत्थर रख के किया था मैंने जैसा कि बोला, पर इससे मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी है और मुक्ति भी बहुत खुश है कि आप लोग कितने ज्यादा कनेक्टेड हो यार, कितना प्यार करते हो हमारी मुक्ति से, कितना प्यार करते हो हमसे। थैंक यू सो मच। बस दिन की शुरुआत करते हैं, जो जो करते हैं दिखाते हैं आपको। यहाँ पर बन रहे हैं बैगन, मम्मी बैगन बना रही है, वो दिखा रही है, बढ़िया बन रहे हैं मम्मी अपनी पसंद से, इनको विश्वास नहीं होता कि मिर्ची डाली है ना मम्मी। हेलो कर दो, चलो हेलो। मुक्ति क्या करी? अच्छा, शौर्य आया है जिम से, उसके लिए बन रहे हैं एग बॉयल। शौर्य हेलो कर दो बेटा। हेलो। और क्या जिम सुबह सुबह चले गए थे आज आप? मेरे उठने से पहले जिम होके आया मेरा बच्चा, बहुत ही समझदार बच्चा हो गया है, अब पढ़ाई करेगा और बहुत सारे काम है। आपके आज ग्रुप पे आए हुए हैं, वो PPT भी बनानी है। हाँ मेरा बच्चा सीरियस हो गया, बड़ा हो गया एकदम से पता नहीं कैसे। और यहाँ है धनिया वाली चाय पी लेते, पी ले। चलो अब आज सारा दिन, आज बहुत बढ़िया चीज़ सोची हुई है बेटा। अब यहाँ हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, भेलपूड़ी बन रही है आज और चटनी बन रही है सब। अब प्याज वाली चीज़ें शुरू हो गई, ये मम्मी ने बैगन बिल्कुल बना दिए थे, ये थोड़े मिर्ची वाले बनाए हैं, वो थोड़े फीके भी बना दिए, भरता भी हो चुका है। चलो चलो मुक्ति फटाफट करें ब्रेकफास्ट। और आज लंच में कोई तैयारी नहीं करनी, क्यों क्यों नहीं करनी? आज क्या है? आज है हमारे पास, बताएंगे आपको क्या है आज। चलो क्रेजी फैम यहाँ आ चुकी है भेलपूड़ी। शौरू कैसी? मस्त है, ये पढ़ाई छोड़ के आए बेचारे, चलो खा लेते हैं। मैंने ऊपर से देखो कितनी हरी मिर्ची और एक्स्ट्रा डाली है। सोना भी आ चुकी है क्लास करके, तो इसकी प्लेन भेलपूड़ी है और आज बड़े दिनों बाद मम्मी भी खा रही है। मम्मी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, पिछली बार इन्होंने चटनी डलवाई थी। ये आ गई है चाय मिस्ट्री मैन के हाथ की, मज़ेदार। और भेलपूड़ी के बाद चाय नहीं पी मिस्ट्री मैन, कहते पिएगी, मैं क्यों नहीं पीऊँगी, पीऊँगी, बहुत बढ़िया। और ये तनिष को मिस कर रही हूँ, तनिष एक तो चाय भी बहुत अच्छी बनाता है और तनिष को भेलपूड़ी और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। और जल्दी आने वाला है तनिष भी, अभी डेट से रिवील नहीं कर रहे, बताते हैं आपको, मतलब मई में आ ही जाएगा, तो देखते हैं। और वहाँ पे अच्छा मैंने आपको बताया नहीं क्रेजी फैम, बच्चों को भी नहीं बताया उस दिन, मुझे मेरे को कॉल आया उसका, वहाँ स्नोफॉल हो रही थी, बच्चे सो चुके थे, मैंने कहा क्लिप बना ले, पर वो जैसे ही बात करते करते कह रहा है वो तो बंद हो गई, वो मुझे दिखा रहा था स्नोफॉल की, ये देखो चाची स्नोफॉल हो रही है, बड़ी अच्छी जगह थी और बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे, तो बहुत ठंड में है, बहुत अच्छी जगह पे है, तो अभी खुश भी है, पर हम लोग तो मिस कर रहे हैं यार, थोड़ी थोड़ी बातों में ही बंदा याद करता है कि ये चीज़ उसको अच्छी लगती है। पर चलो अपने फ्यूचर के तो बच्चे जाएंगे, अब ये देखो ये बच्चा क्या करेगा। शौरू तो बिल्कुल तनिष जैसा लगने लग गया, कमेंट करना आप लोग उसको लगता है नहीं, अभी बिल्कुल तनिष जैसी ना, तनिष जैसा लगना शुरू हो गया, बोलता भी वैसे ही है। यार आज मैं आपको एक चीज बताऊं, सना आज थोड़ी सी आपको उदास दिखे तो मत समझना, क्योंकि आज इसका ना कल एग्जाम है थ्योरी का, तो टेंशन ले लेती है ज्यादा, कोई ऐसा वो है बहुत ज्यादा, वो मुश्किल नहीं है। सुबह हमने जाना है इसका, कल सुबह बहुत जल्दी मेरा दिन शुरू होगा, 7:30 हमें निकलना है 7:15 पे, क्योंकि वहां 8:30 के बाद एंट्री नहीं है, 8:30 तक बच्चे को छोड़ना है, 9 बजे एग्जाम शुरू होगा, 9 से 12 है एग्जाम, 3 घंटे माँ बाप की तपस्या, वही जो मैं कह रही थी कि बच्चे तो अंदर बैठे होंगे बट हम क्या करते हैं हमें कुछ नहीं पता। आधार करेंगे कॉफी वगैरह? नहीं नहीं, हाँ कॉफी तो बहुत अच्छी होती है नो डाउट, पर ये है कि कल ये मुझे अच्छा है कि मिस्ट्री मैन साथ जा रहे हैं, तो एक तसल्ली भी होती है ना, तो देखेंगे कल इसका। और आपको वो उस 3 घंटे में क्लिप भी कम मिलेगी, क्योंकि चाची जो घबराई होंगी उस टाइम, बस ये अंदर होती है पर बाहर मैं भी ऐसे 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 जैसे दादी कर रही होती है घर पे, तो बस कुछ नहीं है, पर ये जाएगी और कल इसका एग्जाम है, तो खूब सारी विशेष दीजिए। पर जब तक ये आएगा ना, जब तक ये आएगा ब्लॉग, तब तक तो ये पेपर दिया ही होगी, तो अगर किसी को ज्यादा चिंता हो तो मुझसे DM करके पूछ सकता है इसका एग्जाम कैसा हुआ। और आज हम करने वाले हैं वड़ा पाव का टेस्ट, रिव्यू करेंगे वो आज। पहले मैंने सोचा था कल इसका एग्जाम हो जाए, कल चलते हैं, पर फिर कल मुझे नहीं लगा कि कल, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे स्कूल होता है, तो मैंने कहा आज इसको हैप्पी करने के लिए पढ़ लेती है, फिर आज हैप्पी करने के लिए, शौर्य भी पढ़ाई कर रहा अपनी, तो इनको आज वड़ा पाव का, जो लाइन में कहते हैं 3-4 लोग हैं, कमेंट आया था हमारे वीडियो पे, तो वो देखते हैं कि कौन, एक बच्चा भी है शायद वहां पे, नहीं वो उधर नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को ना वैसे वड़ा पाव की मैं बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूं, मुझे नहीं पसंद, शौर्य भी कह रहा था उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो खाती नहीं है, तो पता नहीं टेस्ट भी करेगी, पर
मैंने इतना सुन लिया, इतनी वीडियोस देख ली है, मैं जाके देखना चाहती हूँ कि क्या है, क्या सच्ची में वो लाइंस लगती हैं और ब्रेकिंग में मिलता तो है, चार बड़ा पाव से ऊपर आपको नहीं मिलता, वो सब देखना चाहती हूँ। तो बने रहिए व्लॉग को, देखते रहिए एंड तक, जरूर देखिए। और अभी तक हम कल वाले जो वो हमने प्रैंक किया है तो उसके लिए अभी तक हमारे दिल में, मुझे भी अब मुक्ति बार बार जो जो देख रहा है वो बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो प्रैंक था। पर कोई बात नहीं, ठीक है यार, लाइफ में हंसी खुशी ये चीज होती रहे तो अच्छा लगता है। तो बस आज जो जो करते हैं दिखाते हैं आपको। अब दादी अपने बनाया बैंगन खा रही, कैसे बने दादी? बढ़िया। और शौर्य और साना का भी अब लंच टाइम हो चुका है। यस, और आज चिकन, उस दिन ना बच्चों ने एक ही टाइम खाया था, उस चिकन के साथ राइस बना दिया, रोटी बना दी है, और उस टाइम रात को उन्होंने मलाई चाप खा ली थी ना बच्चों ने, देखो कितना बड़ा हुआ। दो टाइम का तो यार बनाते ही है, तो आज इसी के साथ मैं भी राइस खाऊंगी बस। और आज तो वही कर रहे हैं ना, बड़ा पाव। अभी टाइमिंग भी चेक कर ले, कहीं पता चले, क्योंकि बच्चों का काम खत्म होगा तभी चलेंगे। आपको नहीं पता लोकेशन और टाइमिंग? मुझे नहीं लगा पता। चलो ढूंढते हैं क्रेजी फैम, देखते हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो कर ले। कहीं हमारे टाइमिंग तो बंद ही हो तो फिर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना, कहीं लेट तक और ना बैठे, क्या कहते हैं, पर हम अपना टाइम उस हिसाब से। चलो देखते हैं, देखते पहले टाइमिंग देख। क्रेजी फैम, सना अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज है, अभी चने की दाल की राइस खा रही जो कल बने थे। हाँ ये देख लो, फिर जब नहीं बनाओ तो इनको चाहिए खा लोगे आप, उनका ट्राई करोगे आपने बोला करना। दीदी फैम देखो, ये बच्चा तो चिकन नहीं छोड़ सकता, आपको पता ही है, और आज इसने सुबह मेरे साथ क्या करा है क्रेजी फैम। इसे और मैंने जाना था सुबह 9 बजे जिम, तो ये एक रात पहले से ना क्या बोलता मेरे से, मैं तुझे फोन करूंगा, मतलब हाँ। और सुबह मैंने 9 बजे दादी के फोन पे फोन मिलाया तो पता चला वो सो रहा था बंदा। कुणाल भैया को दे दिया शौर्य ने धोखा। यस, सॉरी, क्यों देता है ऐसे धोखा बेटा? चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और शौर्य को भी आज आदत डाल दी मैंने कि चावल के साथ खा ले, और बस खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे। और यहाँ चल रहा है तारक मेहता, मुझे खाने के साथ ही पसंद। चलिए, चल पड़ी है सवारी और अब निकल चुके हैं मंजिल की तरफ, कहीं चली ना गई हो अभी। नहीं नहीं, 4:30 तो उन्होंने बोलता आती हैं वो, बाकी देखते हैं बहुत जल्दी। और कुणाल डरा हुआ है कि कैसा बिहेवियर रहता है उनका, कितनी लाइन रहती है, हम कितना, यार एक होता ना उतना हमारे अंदर भी पेशेंस होनी चाहिए कि हम खा पाते हैं, पर बिल्कुल कोशिश। और ये जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे थे इस चीज के लिए, खुशी थी मेरे को स्पेशली था कि आप जाओ, वो बड़े दिनों से कह रही थी, मैं सोच रही थी कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा वो एक होता ना हेजिटेंट होता बंदा, तो बस अब चलते हैं। रास्ते में चलते हुए 33,000 हो गए, जस्ट देखा मैंने। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार इतनी जल्दी, अभी नहाते में पहले नहाते में 32 हुए थे ना। यस, जल्दी जल्दी 50 के कराओ आपके लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। और अच्छा हाँ, हमने एक चीट डिसाइड करी थी, शौर्य खाने वाले 50 के पे तोरी, और मैं पीने वालों करेले का जूस, और सना के लिए हम सोच रहे थे सना क्या करेगी, जो मैं चॉकलेट क्विट कर दूंगी 2 दिन के लिए, दो हफ्ते एक हफ्ते के लिए। इसके लिए एक चीज करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो हमारे रॉयल क्रेजी फैम होती है ना, वो लोग हर बंदा 3-3 लोगों को कम से कम सब्सक्राइब कराओ, चेन बनाओ एक। यस, जैसे वो बोलते हैं कि मदद करो आगे 3 लोगों की, तो यार एक होता ना कि आप अपने मुंह से जितनी जिसको बोलोगे कि अच्छे व्लॉग्स हैं और ऐसा है, दिल से बोलोगे तो सामने वाले बंदे को भी लगेगा। मेरा एपीजे स्कूल क्रेजी फैम, अब देखते हैं, अब ढूंढते हैं। अब ये सामने एक रोड जा रही है एपीजे के, और तो कोई रोड पूछ लो यार, यहाँ पता होगा लोग। अब उसकी ना अपोजिट रोड पे हम आ गए, ये देखो गाड़ियां तो आती दिख रही है इधर से। हाँ, 2-4 और गन्ने का जूस दिख रहा है, ये पीऊंगी। ओए मेरे को भी बड़ा बल, ओ ये आ गए कार्ड्स, लेकिन देखते हैं कहां है उनकी। वही है, वही है, भीड़ बहुत है इस रोड पे, बड़ा पाव खा रहे हैं ये लोग, बड़ा पाव खा रहे हैं, इधर देख, इधर देख, ये देखो ये बड़ा पाव ही खा रहे हैं। हां, बड़ा पाव ही खा रहे हैं, कहां है मेरे को देखनी है यार, बैंगन। लेकिन उन्होंने कहा था बहुत सारी रेडी कही उनकी हो नहीं अभी, हो रही हो रही है, रश है, कहाँ है? हाँ नहीं 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 अभी देखेंगे चलो, फिर हम दिखाते हैं, वो खुद ढूंढ रहे पहले। ये देख बड़ा पाव कितनी सेकंड का, सबने बड़ा पाव लगा लिया यार, सेकंड रुक जाइए, थर्ड अब ओरिजिनल कौन सी है जहाँ पे वो खुद खड़ी होंगी, डुप्लीकेट वाली वो कहाँ है आंटी जी? एडी बड़ा पाव कपल, वो देखो सबने बनवा लिया है, और अपना ए बड़ा पाव ये है, देखो इंडिया हमारा ये यहाँ चलती है भेड़ चाल, पहले किसी को बॉम्बे में चलता था, दिल्ली में फेमस इन्होंने किया है। यस, अब उनकी तो हमें कार्ड दिखी नहीं, या तो वो आई नहीं है आज, क्या है पता नहीं। दीदी फैन ढूंढते हैं, वो चंद्रिका मैम का तो दिख नहीं रहा,
कौन से वाला है ये, क्या उन्हीं का है क्या, उन दीदी का ये कहाँ है वो? लेकिन कितने बजे तक आएंगी? टाइम लगेगा फैमिली उन्हीं की है, अभी वो आई नहीं है। लेकिन ये देखो, ये पूरा उन्हीं का यही है। देखो भीड़ ज्यादा तो नहीं लगी हुई। पूछ लिया, ये जो सामने है यही है उनकी, कह रहे वो लेट हो गए यहाँ दीदी। अब वो कह रहे पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन है उन्हीं की कार्ड ही है। उनकी मदर इन लॉ है शायद वो। हाँ ये तो कोई नहीं, खा के देखते हैं या फिर वेट कर ले थोड़ी देर। और डुप्लीकेट वाली आंटी कहाँ है? वो तो अब लाइन में, वो डुप्लीकेट वाली आंटी इधर नहीं दिख रही जो थी। अब लाइन में तो बहुत सारे हैं अब तो। वो दीदी आ जाए तो चंद्रिका दी तो नहीं है ये। चल देखते हैं। देखो ये एक फीमेल लाइन बनी हुई है, एक मेल लाइन, और मेल लाइन ही भरी हुई है पूरी। और अभी जी आगे जो है उनसे लिए है, वो सेकंड टाइम आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि टेस्ट तो अच्छा है। हम भी देखते हैं कैसे। ये देख लो चार पैक और और गाड़ी में बैठी हुई हूँ मैं। वहाँ पे रश उतना नहीं है जितना वीडियोस में दिखता था, रश कम है बट है अभी। और आज देखो वही नहीं आई, वो कह रहे अभी टाइम लग सकता है। मैंने कहा चल खा के तो देखें वड़ा पाव कैसा है। और वो क्यू में लगा हुआ दिखाती हूँ आपको मैं, कि अभी भी ऐसे नहीं मिल रहा कि जैसे यार हमें तो क्या है, यहाँ पे जाते हैं कहीं भी, आप कहीं भी कोई भी आया पहले उसको मिल जाता है। बट वो देखो क्यू में लगा हुआ, अभी दिखाती हूँ वो नाल आपको। और हम कर रहे हैं गाड़ी में वेट सना और मैं, तो खा के देखेंगे। सना तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करती। सना बिल्कुल टेस्ट नहीं करेगी क्यों? टेस्ट करके इतना वायरल हो रहा है तब भी नहीं करेगी। और ये देखो क्रेजी मैम, यहाँ पे ये कुनाल दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू, ये देखो कैप में, ये क्यू में लगा हुआ है। और इतने लोग अभी भी हैं और आके जो कर रहे हैं ना व्लॉगिंग कर रहे हैं, मोस्टली लोग खा रहे हैं और उसका रिव्यू दे रहे हैं। तो अभी उसकी देखो टर्न कितनी देर में, अभी हो चुके हैं 5 से 7 मिनट, कितनी देर में बारी आती है पता नहीं। अच्छा हुआ। और हम लोग भी ना 4 बजे से बैठती हैं शायद, ये हम टाइम से आ गए, 5 o'clock तक हम पहुँच गए थे। तो हमें ये था कि चल थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी ना, तो एक तो कहते हैं इनका जल्दी फिनिश भी हो जाता है, और साथ में जैसे जैसे शाम होगी रश भी ज़्यादा हो जाएगा। और अब इनका कह रहे हैं पाव में ही जो है ना, बिल्कुल बॉम्बे वाले पाव जैसे सॉफ्ट होते हैं ना, हालांकि हमने ना बॉम्बे का भी खाया हुआ है। वैसे बॉम्बे का सच्ची बताऊँ, मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद बॉम्बे का, नहीं पसंद मुझे वड़ा पाव बॉम्बे का। बट ये कि यहाँ का खा के देखते हैं कि इतना जो इतना इसकी हाइप मची हुई है, उतना वर्थ इट है कि नहीं है। तो बस अब वेट करते हैं। पाव भाजी भी है इनके पास। आंटी भी हम्बल है, देखो ऐसे ही वो लगा रखा है। मुंबई जल रहे खा रखा है मुंबई का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत भारी। मैम का भी अच्छा लगा। और मैंने पूछा भी, वो कह रहे हैं 7-8 बजे तक आएंगी चंद्रिका जी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ इसलिए अभी आराम से मिल रहा है। तो हमें क्या है, और अब टेस्ट टेस्ट लेते हैं। और एक आंटी जो उधर खड़ी थी वो बहुत स्वीट है भाई, बहुत स्वीट। नाइस। एक मिनट खाया आपने, कैसा है चाची बताओ? बहुत बढ़िया, पाव बहुत सॉफ्ट है, गार्लिक का जो फ्लेवर है मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ये बहुत अच्छा है। और बाकी चटनी उनकी ना घर की डिफरेंट है थोड़ी। अच्छा है मतलब? बहुत अच्छा है, मतलब ये वैसे मुझे खाती नहीं हूँ मैं, ये मैं खा सकती हूँ पूरा। और बस उनके बिहेवियर का अभी हम नहीं, मतलब उसका हम कह नहीं सकते। जो लाइन में खड़े थे जिनसे मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वीट है। कह रहे एक बात बताओ, जब भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो बंदा खुद ही फ्रस्ट्रेट होगा। शौर्य पियेंगे गन्ने का रस, जो गार्लिक का फ्लेवर। मैंने बॉम्बे का नहीं खा रखा, लेकिन बॉम्बे का तो नहीं, ओवर हाइप्ड है, बॉम्बे का तो छोड़ दे, बट ये बहुत अच्छा है। वर्थ इट। पाव भाजी भी जिसने मना कर दी यार, वही है ना जो फेमस हो रही है चीज, बंदा इसी के लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों लाइन लगा के इतना खाने आ रहे हैं। बहुत सॉफ्ट है। मैं तो फिर से आ सकता हूँ खाने इधर। मैं 7-8 बजे एक दिन आएंगे यार, उनसे भी मिलके जाते हैं, ठीक है। और गार्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जो मेरे को अच्छा लगता है। गार्लिक को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। एक हम लंच अभी हमने थोड़ी देर 2 बजे खाया था, अगर हमने थोड़ा और टाइम हो जाता ना तो डिनर कर सकते थे आराम से। लंच अभी 2 बजे खाया था, इसलिए वैसे खुशी से भरे। तुम चाहती थी हम रिव्यू करें, बहुत अच्छा। और डुप्लीकेट आंटी दिखी नहीं, वो बच्चा भी नहीं दिखा गया। अच्छा बच्चा यहाँ है ही नहीं, बच्चा तो इधर है ही नहीं। अब कुछ ठंडा पी लेते हैं। गन्ने का जूस पीने आ चुके हैं अब यूटर्न लेके स्पेशली, बिल्कुल वड़ा पाव के साथ ही ना। ये यहाँ पे गन्ने के जूस वाले भाई है, अब ये जूस पियेंगे, मेरे को बहुत पसंद है पता है। और ये वैसे चाहो ना
हाईवे पे तो वहाँ मिलता है, मैंने वैसे तो अब यहाँ दिख गया था तो मैं छोड़ के तो जा नहीं सकता, सिर्फ कुनाल और मैं पी रहे हैं, कोई नहीं पी रहा, बच्चे वैसे भी नहीं पीते, कोक वगैरह से ना फार बेटर है ये। लेकिन शुगर इसमें भी बहुत ज्यादा होता है, शुगर और ऊपर से क्योंकि इसका नाम ही शुगर केन है। गन्ने के जूस का ऐसा रिफ्रेशिंग कुछ और नहीं हो सकता। चाची ये देखो मैंने क्या किया है खाने की, उसमें ये देखो उंगलियां देखो सबकी, मिस्टी की तरफ कर रहे हैं। अभी अभी रास्ते में मीठा हो गया, कह रही है चलो पापा वो थोड़ा ना उस तरफ ले लो, वहाँ से जहाँ से मोमोज खाते हैं। हम आ गए अपनी फेवरेट जगह मोमोज खाने, आज बिल्कुल टाइम से आए हैं ताकि मिल जाए मोमोज। ये देखो सना खा रही है शोरमा और शौर्य खा रहा है मोमोज। वापस और मोमोज खाते टाइम इतने ज्यादा मोमोज में ध्यान चला गया कि वीडियो ही शूट नहीं किया, सिर्फ क्लिप बनाई थी और वापस आए और शौर्य का फुटबॉल का मैच था, बहुत जल्दी जल्दी इसको वापस आना था क्योंकि पेंडिंग काम भी बचा हुआ अभी वो भी करना और दोनों ने खाना नहीं खाना, सना का भी कल एग्जाम है उसको जल्दी उठना है, शौर्य तो थोड़ी लेट तक करेगा, सना लास्ट एक वाइंड अप करके फिर सुबह ये 6:30 तक इसको उठना पड़ेगा क्योंकि 7:15 घर से निकलना पड़ेगा, 8:30 तक हम लोगों को वहाँ पहुँचना है। तो देखते हैं कितनी तैयारी करती है और कैसा जाता है पेपर, और बार बार मैं बोलूँगी जिसको अगर ब्लॉग नेक्स्ट डे की नहीं तक तब तक वेट कर सकते तो इंस्टा पे DM करके पूछना। और आज का शाउट आउट जाता है नितिन कुमार जी को, उनको हमारा प्रैंक बहुत अच्छा लगा, हाँ इमोशनल था पर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, एक्टिंग अच्छी थी बेसिकली हमारी। तो चलो सनू आ जा, शुरू आओ, ये दोनों बच्चों से मिलवा देती हूँ। Peace.